अब हम बात करते हैं सोडियम के फाइन स्ट्रक्चर की। तो सोडियम का अपने पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो ये आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ठीक है, तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या है अपने पास? 3s1 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? 3s1 के अंदर है। अगर इसका मैं टर्म नोटेशन लिखूं तो किस टाइप से लिख सकता हूं? टर्म नोटेशन कैसे लिखते हैं हम? नीचे होता है LJ, ये एल जे, ऊपर होगा 2s+1 जिसको हम मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं, आगे होता है एन। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 0 है तो हम लिखते हैं एस, एल की वैल्यू 1 है तो पी, और 2 है तो डी, और 3 है तो एफ। ठीक है, यहाँ पे इतने से काम चल जाएगा। अब 3s के लिए लिखना है, एस की वैल्यू कितना है? एस है तो एल की वैल्यू कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। स्मॉल एस की वैल्यू कितना है? इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है। जे की वैल्यू बात करूं तो जे क्या हो जाएगा? L+S से लेके L-S हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ। ठीक है, टर्म नोटेशन लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा S, और मल्टीप्लिसिटी निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1/2 और ये आगे 3 एज इट इज। ये हमने ग्राउंड स्टेट निकाल ली किसकी? 3s1 की या सोडियम की। ठीक है, अब प्रिंसिपल सीरीज अपने पास कब पॉसिबल हो सकती है? प्रिंसिपल सीरीज अपने पास तब पॉसिबल हो सकती है, ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पे जाए कि प्रिंसिपल सीरीज पॉसिबल हो जाए? तो अगर इलेक्ट्रॉन 3p के अंदर जाता है तो अपने पास प्रिंसिपल सीरीज पॉसिबल हो सकती है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट स्टेट इफ प्रिंसिपल सीरीज इज पॉसिबल, इफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल सीरीज इज पॉसिबल पॉसिबल। और प्रिंसिपल सीरीज पॉसिबल कब हो सकती है? जब इलेक्ट्रॉन अपने पास कहाँ पे हो? 3p के अंदर हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 3p का टर्म नोटेशन निकालेंगे इसी टाइप से। तो 3p का यहाँ पे निकाल लेते हैं 3p। ठीक है, अब p है तो p के लिए l की वैल्यू कितना होती है? 1। p के लिए l की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1, तो l की वैल्यू 1, s की वैल्यू फिर से हाफ, j की वैल्यू की बात करूँ तो j कितना जाएगा? L+S से लेके L-S। अब ये जो टर्म नोटेशन है वो हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने बहुत डीपली इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के जो कॉन्फिगरेशन है वो लिखे थे। उसका लिंक आपको, उस वीडियो का जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से जाके वहां पे डीपली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो एल जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? L+S से लेके L-S। L+S करूंगा तो ये आ जाएगा 3/2, L-S करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2। टर्म नोटेशन अगर मैं इसके लिए लिखता हूं तो ये आ जाएगा 3p और ऊपर 2, नीचे 3/2 और 1/2। ठीक है, अगर मैं इसको खोल के लिखू तो खोल के कैसे लिख सकता हूँ? यह आ जाएगा 3p 2 और 3/2, फर्स्ट ये और 1/2 का लगकर लिखते हैं, आ जाएगा 3p 2 और 1/2। ठीक है, तो जब अपने पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नहीं थी, देखो यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हुई, L+S को हमने ऐड किया है तो अपने को क्या मिला है? जे भी मिला है। जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन अपने पास नहीं थी तो ट्रांजिशन किस टाइप से हो रही थी? ट्रांजिशन ये मेरे पास क्या है? 3p है और ये मेरे पास क्या है? 3s है। ठीक है, जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नहीं थी तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट किस में आ रहा था? 3p से 3s के अंदर आ रहा था, जिसको हम प्रिंसिपल सीरीज बोलते थे विदाउट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रिंसिपल सीरीज विदाउट विदाउट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ठीक है, जब हमने स्पिन ऑर्बिट को ऐड किया, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जब हम लेके चलते हैं तो अपने पास ये वाला जो लेवल है वो दो लेवल के अंदर स्प्लिट हो जाता है, कुछ इस टाइप से। ये दो लेवल के अंदर हमने स्प्लिट कर दिया। फर्स्ट जो लेवल है वो कितना है? ये है 2p और 1/2, ये 2 इस p के ऊपर है, और यहाँ पे क्या है? 2p 3/2। ठीक है, और ये जो S लेवल है ये एज इट इज ही आएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2s 1/2। ये है 2s
वन बाय टू। अब इन लेवल के अंदर प्रिंसिपल सीरीज में तो देख लिया विदाउट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन 3p से डायरेक्ट कहाँ रहा है, 3s के अंदर आ रहा है। अब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन लेके चलते हैं तो वहां पे ट्रांजिशन किस टाइप से होगी, तो इसका जो सिलेक्शन रूल है वो क्या जाएगा, सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल किसके लिए, सबसे पहले एल के लिए बात करूं तो डेल्टा एल की वैल्यू कितना होनी चाहिए, प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। दूसरा जे आया है तो जे का सिलेक्शन रूल भी लेना पड़ेगा, कितना 0 और प्लस माइनस 1, और डेल्टा एस का कितना होगा 0। ठीक है, सिलेक्शन रूल अपने को क्या बताएंगे, सिलेक्शन रूल अपने को बताएगा ट्रांजिशन किस लेवल से किस लेवल में हो सकती है और किस लेवल से किस लेवल में नहीं हो सकती है, मतलब अलाउड ट्रांजिशन कौन सी है और फॉरबिडन ट्रांजिशन कौन सी है। ठीक है, और सिलेक्शन रूल अपने को याद करने ही पड़ेंगे, इसका और कोई तरीका नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स में निकालते हैं और यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ये सिलेक्शन रूल देख के हम ट्रांजिशन करवा सकते हैं। तो ट्रांजिशन कहां से कहां तक हो सकती है, इस लेवल से इस लेवल में करके देखें तो यहां पे भी क्या है, पी है, यहां पे भी क्या है, पी है, तो कितना प्लस माइनस 1 का चेंज होना चाहिए, तो एल वाला ही ट्रांजिशन रूल फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, अब जे वाला देखो तो जे वाला फॉलो हो रहा है पर एल वाला फॉलो नहीं हो रहा, एक साथ तीनों के तीनों सिलेक्शन रूल क्या होने चाहिए, पॉसिबल होने चाहिए। तो यहां पे क्या है, पी है, यहां पे क्या है, एस है। ठीक है, तो एल की वैल्यू में कितना चेंज आ गया, 1 चेंज आया, और दूसरा क्या है, जे की वैल्यू, जे में क्या है, 0। ठीक है, 0 और प्लस माइनस 1, तो यहां से ट्रांजिशन यहां पे हो सकती है, ये अलाउड ट्रांजिशन है, इसको हमने बोल दिया D1। ठीक है, और यहाँ पे S है, यहाँ पे P है। ठीक है, L वाला क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, J वाला देखो तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस माइनस 1 और 0, तो यहाँ पे J की वैल्यू कितना है, 1/2, यहाँ पे कितना है, 3/2, तो J वाला भी रूल भी यहाँ पे सेटिस्फाई होता है और ये यहाँ से ट्रांजिशन हो जाएगी, इसको हमने बोल दिया D2। अब जो D1 और D2 है इनकी वेवलेंथ किस टाइप से होगी, देखो इनिशियली तो क्या था अपने पास, ये था जिसको हमने बोला था प्रिंसिपल सीरीज विदाउट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अब जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ली तो अपने को क्या मिला, ये तो अपने को D1 लाइन मिली और साथ में क्या मिले, ये D2 लाइन मिली, ये डायग्राम भी आपको इसके साथ बनाना है। अब जो D1 और D2 लाइन है इनकी वेवलेंथ कितना होगी, तो जो D1 लाइन है, D1 लाइन की जो वेवलेंथ है वो हमने लैम्डा 1 बोल दी, और इसकी वेवलेंथ कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 5896 एंगस्ट्रोम। ठीक है, और D2 की वेवलेंथ कितना बोल दिया, लैम्डा 2 बोल दिया, ये आ जाएगी 5890 एंगस्ट्रोम। ठीक है, अब D1 अपने को कब मिल रही है, D1 अपने को कब मिल रही है, D1 अपने को मिल रही है जब ट्रांजिशन कहां से कहां तक हो रही है, ये हो रही है 2p1/2 से, 2p1/2 से कहां पे गया इलेक्ट्रॉन, ये गया 2s1/2 पे, जब इलेक्ट्रॉन गया तो अपने को क्या मिली, D1 लाइन मिली, ये भी अपने को लिखना पड़ेगा। और D2 लाइन कब मिली, जब 2p3/2 से कहां पे गया, 2s1/2, तो D2 लाइन कब मिली अपने को, जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हुई 2p3/2 से 2s1/2। ठीक है, और साथ में आप ये इनकी वेवलेंथ भी लिख के आओगे। ठीक है, ये अपने पास सोडियम का फाइन स्ट्रक्चर है और इसको हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन मान के किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया, अगर इसमें कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।